वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम कम्युनिकेशन स्किल्स सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? कृपया क्या आप धीरे बोलेंगे? इट्स ऑल योर्स, यह सब कुछ आपका है। जैसे बच्चों घर में कहते हैं ना कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं ले लूँ, तो हम कहते हैं अरे ये सब आपका ही है, आप ले लीजिए, है ना। तो हम कहते हैं ना कि ये सब आपका है। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? इट्स ऑल योर्स, यह सब कुछ आपका है। नेक्स्ट इज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बच्चों जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, तो हम उनसे कहते हैं ना कि आप हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट इज, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। हम बातें करते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा जो बिजनेस है वो भी अच्छा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो ये सब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कहते हैं कि भगवान की कृपा से या भगवान के आशीर्वाद से। तो हम उसके लिए कैसे कहेंगे सेंटेंस? बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से। हाउ डिसग्रेसफुल, कितना गंदा है या कितना खराब है। जब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, बुरा लगता है, कहते ना कितना गंदा है, कितना बुरा है। तो हाउ डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट इज, रेस्ट एश्योर्ड, यानी भरोसा रखो। और कभी कभी बच्चों ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम सही नहीं हो रहे हैं, तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं ना कि भाई सब भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भरोसा रखो, तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? रेस्ट एश्योर्ड, यानी भरोसा रखो। व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। कभी कभी होता है हम कहते थे ना अरे क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। नॉट द लीस्ट, थोड़ा भी नहीं। कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने किसी को लंच पर या डिनर पर इनवाइट किया है, जब उनको फूड सर्व करते हैं, लंच सर्व करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं अपनी चाहिए, तो हम कहते हैं ना थोड़ा सा, थोड़ा भी नहीं। तो कहेंगे नॉट द लीस्ट, या हम ये सेंटेंस किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं। जब भी हमें किसी से ये कहना हो कि थोड़ा भी नहीं, कहेंगे नॉट द लीस्ट, इसका मतलब है थोड़ा भी नहीं। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, आज मुझे जल्दी जाना चाहिए। बच्चों ये थे हमारे कुछ कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सो आई होप टू अंडरस्टैंड ऑल दी सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस इन योर डेली रूटीन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।